लोकसभा सीट बीजेपी पूरे हिमाचल की जेकर गल की जाए बीजेपी मैनू तुसी पहले कांग्रेसी मिले हो आ बाजार च कारण की है ना जितन कारण यह है भाई इन लोगों ने गवर्नमेंट के पैसे का तबाह कर दी। ये तो भगवान आतंकवाद पैदा कर देंगे कांग्रेस वाले, ये तो हिंदुओं को बर्बाद कर देंगे, सिखों को कर देंगे। 84 में क्या किया उन्होंने, थोड़े सिख मारे हमारे। अनुराग ठाकुर जी के बारे की सोचते हो, कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर जी लोग कह रहे हैं जीतेंगे, नहीं जीतता। मेरे हिसाब नाल जी, मैं तो वैसे अनपढ़ जी आदमी, लेकिन यह किसी को वधन का मौका ही नहीं देंगे। अगे खुद अपनी पार्टी को डोबन वाले खुद ने। कल जब आते ना आप, तो वहां देखते कितनी जनता थी। ये तो क्या जनता है, ये तो 800-900 आदमी होगा इकट्ठा ज्यादा ज्यादा। कांग्रेस कह रही है कीता ही कुछ नहीं। वो तो कहेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जो उन्होंने किया है ना, वो उसमें वो जीरो के बराबर है। वो देश भर के लोग सभा चोणों को लेकर सियासी माहौल भख्या होया है। गल हिमाचल प्रदेश की करिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोग सभा हलका बहुत खास मनिया जा रहा है, क्योंकि इतों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर तो चोण मैदान के ने। दूजे पास कांग्रेस भी मुकाबले दे विच है। सो दे जानने की कोशिश करते हैं इलाके दे विच इस वेले, क्योंकि असी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर दे विच मौजूद हाँ। इतों के लोगों तो जाणांगे कि इतों की जिहड़ी हवा है वह की कह रही है, किसका पलड़ा भारी है या किसका नहीं, कौन इतों जित प्राप्त कर सकता है, वह लोगों तो राय जानने की कोशिश करांगे। सर तुसी इतों हमीरपुर से हो, कौन लगता है इतों कौन जीतेगा? यहाँ से अनुराग ठाकुर ही विजय गवर्नमेंट जीता। क्यों जीतेंगे, कारण की है? उन्होंने काम अच्छे किए हैं, तो काम ही बढ़िया किए उन्होंने। कोई काम गिनवा दो। हाँ, कोई काम? कौन कौन से काम? काम तो सारे उन्होंने अच्छे किए हैं, इधर जो भी काम किए हैं सारा अच्छे किए हैं। कांग्रेस का क्या देखते हो? कांग्रेस के बारे में हम जो जानते नहीं उतना, काम उन्होंने अच्छे किए थे पिछली बार, इन्होंने बढ़िया काम किए। सर हमीरपुर लोकसभा सीट की कह रही है इस बार, किसकी जित प्राप्त, किसनों जित प्राप्त हो सकती है, हवा की कह रही है हिमाचल? चलो ये तो नहीं बोल सकते, पर जो अच्छा काम करेगा वो आएगा आएगा। अनुराग जी का लोकसभा सीट है, यहाँ पे जीतते रहे हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? अच्छा ही रिस्पॉन्स तो अच्छा उनका, इस बार भी जीतेंगे? चलो तो उनकी है, अपने काम को है तो है, उम्मीद उनकी उम्मीद है। कांग्रेस के बारे में क्या कहोगे, कांग्रेस के काम की है? चलो अपनी जगह अच्छी है, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसी है जो कई बार कामयाब नहीं होती उनकी, उनका अपना ही आपस में गठबंधन नहीं बनता जैसे इस बार हुआ ना। अभी अगर वो खुद अपना कर लेंगे आपस में सेटलमेंट, तभी चलेगा। पहले पार्टी का असर पड़ेगा इन, पड़ता तो है। अब जब अभी हुआ पीछे, जब कांग्रेस शिमला और यहाँ पे एक जैसी नहीं है, तब उससे फर्क पड़ता है। सब की कह रही है हमीरपुर लोकसभा सीट इस बार, हमीरपुर लोकसभा सीट की कह रही है, किस दे वाल दी हवा नजर आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी की? अच्छा, कांग्रेस मुकाबले च नहीं है? दोनों ही है वैसे मुकाबले में, तो टक्कर नहीं दे पा रही कांग्रेस? देगी शायद, पक्का नहीं बोल सकते। अनुराग जी इस बार फिर चोण मैदान दे विच ने, की लगता है जित प्राप्त होगी, या कांग्रेस प्रत्याशी ने जो उम्मीदवार ने उन्होंने? मोदी जी की सरकार बनेगी वैसे तो, यही है आइडिया में। हाँ जी। अच्छा, कारण की है मोदी जी की सरकार बने? नेता वही है अच्छे। नेता अच्छे क्यों है, कोई अच्छे काम हमारे देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, बाहर के देशों में भी उनकी धूम मची हुई है और यहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमीरपुर हल्के की बात की जाए, इतने केड़े केड़े काम ने जो अनुराग ठाकुर जी होर ने किए ने, जिस करके अज लोग ने जो कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर जी ही जितने चाहिए? बीजेपी के द्वारा कुछ काम किए करवाए गए हैं यहाँ पे, जैसे स्कूल बनवाए गए हैं और भी कई चीज़ें बनवाई गई हैं, और प्रदर्शन के लिए भी कई काम किए गए हैं। तो उन्हों की लगता है इस बार किस दी? बीजेपी। बीजेपी जी, ठीक है। अनुराग ठाकुर जी ने केड़े केड़े काम किए हैं? कोई काम तो बड़े सारे किए हैं, जैसे खेलों में कई बार उन्होंने सारा काम किया है। क्या बोलते हैं अपना, महिलाओं के लिए बड़ा कुछ किया उन्होंने। कांग्रेस भी बोल दी है उतना भी, ऐसी बहुत कुछ किया है पहला वाले समय दे विच, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कांग्रेस दा फ्यूचर नहीं है खत्म। अच्छा, इंडी गठ जोड़ के बारे में क्या सोचते हो? इंडी गठ जोड़ा जो कुछ नहीं, कुछ नहीं है। बीजेपी बीजेपी है, बीजेपी है। सर हमीरपुर लोकसभा सीट
तो की लगता है किस की हवा ज़्यादा है किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है तुसी बीजेपी दे वल्लों लग रहे हो? वल्लों वाली गल नहीं है, है ही बीजेपी हर जगह। अच्छा इतों की कह रही है सीट इस बस अनुराग जितेगा हर हाल जितेगा उते तुसी हमीरपुर लोकसभा सीट तो ही हल्के चु जाते हो जी? बिल्कुल। अच्छा कारण की है अनुराग जी जितने तुसी कह रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ? ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਟੋਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਗਲਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੋਚ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਇਨਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ 100%। अच्छा अनुराग जी दे मुताबिक अनुराग जी दे जितने का की कारण है तुसीं बीजेपी दे वल्लों? की बीजेपी ने इतना विकास किया कि कई पीढ़ियां नाल अजे तक नहीं होया। देखो असी अज ते मेरी 66 साल उम्र हो गई है, असी बीजेपी नूं वोट दिंदे आगे, ठीक है। पर कांग्रेस या फिर विरोधी पार्टियां कह दिंदियां ने कि बीजेपी ने देश वेच दिता, इह इल्जाम लगा दिंदियां ने। देखो जी इन्नी डिवेलपमेंट जी बीजेपी के राज विच हुई है वो 70 साल के विच नहीं हुई है, जी 10 साल के विच इतनी मतलब इन्हें इतने काम किए हैं, किसी भी ला लो तुसी मतलब ये है कि अच्छी सुविधा हरेक जो प्रावधान इन्हें किया है। तुहाडे मुताबिक की कह रही है लोकसभा सीट? लोकसभा सीट बीजेपी पूरे हिमाचल की जेकर गल की जाए बीजेपी। कंगना रनौत खड़े ने जितणगे? जितणगे पक्का, जितणगे पक्का पक्का, ठीक है। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ? ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਕਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਹੌਲ। अच्छा की लग रहा है कौन इस बार बाजी मार सकता है? ये तो हाल तक वक्त ही बताएगा। तुहानू की लगता है कि वह जित जाएंगे, क्योंकि पहला भी जितते रहे ने, मनिया जाता है कि उन्हों का गढ़ है, कि कांग्रेस उन्होंने टक्कर दे पाएगी? वो तो जितेगा अनुराग ही जी। कारण क्या अनुराग जी के जितने का? बहुत अच्छा है, सही, अच्छा माहौल है, सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब सही कर रहे हैं, वो किसी गरीब को दुखी नहीं किया उन्होंने, सब गरीब की सहायता की उन्होंने, अच्छा किया सबके, जो भी किया उन्होंने। जो बोलते हैं मोदी जी गैस सिलेंडर मिले हैं या महिलाओं को जो जो सुविधाएं दी हैं, वो मिली हैं आपको सब? मिली है। रोजगार के बारे में बोलते हैं, दिए मिली, लोन भी मिला, हमारे को लोन भी दिया उनकी तरफ से। यही कांग्रेस टक्कर में क्यों नहीं है? आप बोल रहे हो कांग्रेस टक्कर में नहीं है, अब कांग्रेस ने हमारे लिए करा ही किया, बोलते हैं बहुत कुछ किया है। कुछ भी नहीं किया, जब थे ना राजीव गांधी थे, उनके इंदिरा गांधी थे, तब तो सारा कुछ सही था माहौल। तुसी उस समय सी जब इंदिरा गांधी सी, उदो तुहानू याद है तुहानू मतलब? कुंवारी थी मेरे सामने, उनके जब वो गुजरे, उनको गोली चंडीगढ़ में मारी उनको, तब हम मेरे को समझ सब है। तुसी उदो किथे सी? असी शिमला रहते थे। तुसी शिमला रहंदे? इंदिरा गांधी जी का काम चंगा लगता सी? बढ़िया। अच्छा इंदिरा गांधी जी के जाने तो बाद तुसी कह रहे हो कि उस तरह का प्रधानमंत्री कांग्रेस वालों नहीं दिता गया? नहीं दिता, तो कभी आए क्या बोले, जो बड़े प्रधान जी आए हैं वो सही है उन्होंने। अच्छा डॉक्टर मनमोहन सिंह भी तो रहे ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस वालों, उन्होंने बारे? वो भी सही है, उन्होंने भी सही काम किया, वो भी सही है। देश में कौन सी सरकार आनी चाहिए? हमारी तरफ से तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, विकास की है आपके कहना। सर तुसी हमीरपुर लोक सभा हल्के बारे की सोचते हो, कौन इस बार इतों जित प्राप्त कर सकता है? जनाब सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ओनली मोदी और अनुराग जी। अनुराग जी पांचवी बार बन रहे हैं अभी ये, और बहुत भारी बहुमत से बनेंगे, ये जीतेंगे ये,
और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें और क्या चाहिए। सेंटर दे विच गल की जाए, ऑल ओवर इंडिया की गल की जाए, उत्थे स्थिति की देखते हो बीजेपी की? मेरा ख्याल है भाई 400 पार करेंगे मोदी जी इस बार। कारण जो मोदी जी ने किया ना वो आज तक हुआ ही नहीं है। कांग्रेस कह रही है कीता ही कुछ नहीं, वो तो कहेंगे ही क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जो उन्होंने किया है ना वो सुबह वो जीरो के बराबर है, वो कोई खास नहीं काम किया उन्होंने। राहुल गांधी जी का बयान आया था कल, वो कह रहे थे कि कांग्रेस मोदी जी हुण प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस बार नहीं बनने वाले। वो पप्पू है, पप्पू वाली बातें करेगा वो, ठीक है ना, वो तो ये पप्पू वाली बातें करेगा। उसको बोलो आपने क्या किया है, उसको तो चार आदमी के सामने बोलना भी नहीं आता कि मैंने बोलना क्या है। अच्छा, आप अनुराग जी के हल्के तो तुसी, तुहानू की लगदे थे किहड़े किहड़े काम जिहड़े ने होए ने जिन्ना करके अज अनुराग जी नूं वोट मिल रहा है? देखो जी, पहले तो आ देखो तुसी शहर की स्थिति देख लो, तुसी रोड देख लो, तुसी और कॉलेज देख लो, जितनी भी चीज़ें हैं ना हर जगह बहुत विकास हुआ है। और जो हमने डिमांड रखी कभी भी अनुराग जी के सामने वो पक्का पूरी हुई। और आर्मी चो रिटायर्ड? हाँ, मैं आर्मी से कैप्टन रिटायर हूँ, मेरे को 24 साल हो गए रिटायर हुए, 30 साल सर्विस के बाद। मैं कांग्रेस के राज विच भी अपनी जॉब की, नौकरी की, तो हूँ भी तुसी देख रहे हो किवें दी स्थिति है, किहड़ी सरकार दे विच आर्मी की स्थिति बेहतर सी? इस सरकार के टाइम पर अग्निवीर लैके आए, इसका विरोध भी होया। अच्छा देख लो, अग्निवीर जो है ना, जो मूर्ख हैं वो तो यही कहेंगे कि अग्निवीर अग्निवीर। आप ये देख लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये हिंदुओं को तैयार कर रहे हैं आगे की लड़ाई के लड़ने, इसके लिए। कौन सी लड़ाई? यही देश में जो लड़ाई देखना आगे क्या होगा, तो किसी होर मुल्क की लड़ाई ना गल कर रहे हो? देश में भी लड़ाई समझ लो तुम, क्योंकि किस दे नाल आपको पता ही है किसके साथ क्या चल रहा है। अभी देख लो आप, इतने आपस में विरोध चला हुआ है, हिंदू दबा हुआ है, और हिंदू अगर कोई पंगा हो जाता है तो वो पुलिस की तरफ भागता है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास है ही नहीं कुछ भी करने के लिए। तो कुछ होगा तो अग्निवीर आएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। स्थिति मतलब ये स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, और ये मोदी जी और ये अग्निवीर बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे देख लो कि बेरोजगार घूम रहे हैं बच्चे काफ़ी दिन से, अगर वो अग्निवीर में चले जाते हैं, कुछ सीख के आएंगे, कुछ पैसा लेके आएंगे, डिसिप्लिन सीख के आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। जब डिसिप्लिन होगा और आई कार्ड उनके पास होगा ना एक्समैन का, सीना चौड़ा हो जाएगा। बीजेपी तो इल्ज़ाम लग जाता धर्म के नाम पर सियासत कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगते हैं। देखो आप खुद ही देख लो, आप खुद ही देख लो कि कौन करता है, हिंदू मुसलमान कौन करता है, बीजेपी नहीं करती है। आज तक कांग्रेस ने मुसलमानों का सिर्फ वोट लिया है, इनके बारे में कुछ नहीं सोचा है। लगता है इस सरकार ने किया मुसलमान बहुत किया है, जो हिंदुओं को दिया है उनसे ज़्यादा उनको मिला हुआ है, घर उनको मिल रहे हैं, एजुकेशन उनको मिल रही है, हर चीज़ उनको मिल रही है, राशन फ्री उनको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है उनको। आर्मी की बात कर रहे थे आप, अगर कोई फायरिंग हो जाती थी बॉर्डर के ऊपर, मैं 30 साल सर्विस करके आया हूँ, तो हमें ऑर्डर जो है वो लेना पड़ता था दिल्ली से ऑर्डर आता था, हम एक गोली फायर नहीं कर सकते थे। अब भुक्त भोगी हैं उस चीज़ के, उनकी स्थिति जी बस एक गोली आती तो 50 आती, हूँ मुँह बंद है। पाकिस्तान की गल कर रहे हो? बिल्कुल पाकिस्तान की गल कर रहे हैं, एक गोली आती है ना तो 50 जाती हैं उसके बदले में। अभी पाकिस्तान डरा हुआ है, पहले वो मज़े ले रहा था पाकिस्तान, जब से मोदी है ना अभी भीख लेके, भीख का कटोरा लेके दर दर देशों में घूम रहा है वो। पुलवामा लेके भी इल्ज़ाम बीजेपी के उत्ते बहुत लगा दिते जाते हैं, कई सोशल मीडिया से भी चर्चा में, ये तो बाटला हाउस हुआ था, दूसरे हुए थे जितने, ये तो भगवान आतंकवाद पैदा कर देंगे कांग्रेस वाले, ये तो हिंदुओं को बर्बाद कर देंगे, सिखों को कर देंगे। 84 में क्या किया उन्होंने, थोड़े सिख मारे हमारे। आप देख लो जो आपने बाल वीर दिए हुए हैं, तो वो आज ही पता लगा दुनिया को कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जो है जिन्होंने कुर्बानी दी थी, पहले पता था किसी को? आधी दुनिया को पता नहीं था। अरे कुछ करना है बाल दिवस ये कराना है तो आप सिखों की कुर्बानी हम नहीं भूल सकते कभी भी, लेकिन उनको भी उन्होंने गले में टायर डाल के मार दिया। मुसलमानों की इसकी दूसरी, हिंदू मुसलमान की राजनीति कांग्रेस करती है, बीजेपी नहीं करती है। कांग्रेस इस बार टक्कर च है, टक्कर दे पाएगी लग रहा है? कोई बिल्कुल नहीं, इंडी गठजोड़ है, कोई टक्कर में नहीं है, मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। और जो पप्पू है ना वो पप्पू को वोट देंगे, आप ये देख लेना, जो समझदार आदमी है, जो समझता है कि क्यों जरूरी है मोदी, क्यों जरूरी है। हिंदुओं को भी तकबी आदो को तो पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या किया है। अभी आगे तो हिंदुओं को पता नहीं कि बखो वोट क्या है,
जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो जो वहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू छोड़ के आए थे वो प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली, और जो इंडिया में मुसलमान छोड़ के गए वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड को दे दी। अभी जहाँ वो हाथ रख देते हैं वो उनकी है। अभी इसमें भी आ रहा था कि सरकार जो बनने के पहले, जब बीजेपी की सरकार बनी थी उसके 10 दिन पहले उन्होंने 120 या 125 प्रॉपर्टी जो मुसलमानों को दे दी थी, वक्फ बोर्ड को दे दी थी इसने दिल्ली में। तो भाई इनका तो नाम मत लो कांग्रेस का, ये हिंदू विरोधी, सिख विरोधी, सबके विरोधी है ये। इनको सिर्फ मुसलमान चाहिए और कोई नहीं चाहिए। अभी देख लो क्या क्या बयान आ रहे हैं। अभी आप देख लो इसमें, अभी आप देख लो इसमें, आप कर्नाटक में 27% आरक्षण था ओसी के लिए, एसटी और ओबीसी के लिए 8% ये मुसलमानों को दे दिया, और 5% क्रिश्चनों को दे रहे हैं अभी ये, तो क्या रह जाएगा। और ये हिमाचल में वही करने वाले हैं कांग्रेस, फिर यहाँ भी यही करेगी ये, आप देख लेना चाहे। तो हिमाचल वाले ने दिती है ना कांग्रेस ने, सरकार तो ही बनी है। चलो वो बन गई ना, झूरे अभी जो जिन्होंने वायदे किए थे ना 10, एक भी पूरा नहीं हुआ अभी, ना वो कर सकते हैं ना कभी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। करके दिखा दें, जो बोलता ना मैं करूँगा वो करके दिखा दें। अच्छा कंगना रनौत बारे की सोचते हो मंडी सीट तो? देखो कंगना रनौत जो है ना वो पढ़ी लिखी है लेडीज़ है और हिमाचल की शान है वो। विक्रमादित्य भी तो नौजवान है, एजुकेटेड। देखो विक्रमादित्य जो है ना अच्छा है, पढ़ा लिखा है, एक राजे का बेटा है, लेकिन वो पार्टी गलत में फंस गया है, उसका बाप था उस पार्टी में। अब इसके लिए जब हुआ था ना मंदिर बना था ये राम मंदिर, तो वो ही गया था सिर्फ अकेला, बाकी कोई कांग्रेस वाले नहीं दिया। और उसके डैडी ने वीरभद्र जी ने 800 करोड़ रुपये दिया उस मंदिर के लिए, बाकी किसी ने दिया। लोग बोलते कंगना तो जीतेगी नहीं, अरे कुछ कहते, अरे कहने को तो कई कुछ कहते हैं, कहने से थोड़ा कुछ होता है। कंगना जी भारी बहुमतों से जीतेगी, उम्मीद है कोई, वो क्योंकि पंजाब दे विच सनी देओल नू जताया सी, लोग परेशान नज़र आए, कहंदे वोटा लैण तो बाद जित के वापस ही नहीं आए हल्के दे विच। ये भी एक बॉलीवुड एक्टर ने, एक्टर नू वोट दे के की लगता है कि तुसीं ओ सारियां मंगा पूरियां करवा लोगे, मनवा लोगे? देखो जी उन्होंने बयान दे दिया है कि मैं भी यहीं पर रहूँगी, यहीं मेरा घर है, और मैं सनी देओल भी कहंदे सी। वो तो देखो अलग अलग अपनी अपनी वो होती है मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन वो भी पंजाब का पुत्र है और उसने पंजाब की बहुत सेवा की, उसने बहुत काम किया है, तो मेरा ख्याल है ये सोचना नहीं चाहिए भी। और कंगना जो है हमारी हिमाचल की शान है, मंडी की शान है, हमीर हिमाचल की शान है, अवश्य जीतेगी वो। भाजी हमीरपुर लोकसभा सीट की कह रही है इस बार, किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? देखो जी सब तो लोकप्रिय नेता साढ़े अनुराग ठाकुर जी है, वही जितनगे, 101% की गरंटी साड़ी है। तो बाकी बीजेपी सेंटर च भी आएगी, मोदी सरकार बल्ले बल्ले। कारण की है अनुराग ठाकुर जी नू बार बार इतों जित मिलती है, तुम कह रहे हो कि इस बार भी जितने, कारण की है, उन्होंने ही क्यों वोट पैंती है? कि कांग्रेस कोई काम नहीं किया पहला? कांग्रेस ने अज तक काम किहड़ा किया? अनुराग ठाकुर जी ने जितना काम किया कराया, या खेल मंत्री बने तो जे सेंटर च इन्होंने मंत्री पद लिया तो मतलब हर जगह इन्होंने जित ही हासिल की है, इस करके लोगों के दिलों काफ़ी जगह बनी दी है और कंटिन्यू जितते आ रहे हैं। मैं सोचता कि ता जिंदगी जितते ही रहेंगे। काम केड़े केड़े ने जिहड़े तुसीं कह सकते हो कि उन्होंने किए ने? देखो जी हिमाचल जिले ने बड़े काम किए, धर्मशाला अज क्रिकेट ग्राउंड है, खेलों के बड़े बड़े ग्राउंड इन्होंने इत्ते, बाकी जितने खिलाड़ी है उन्होंने इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया, जितों के युवा जड़ा मेन युवा जड़ा है वो इन्हों के नाल है। कारण की है अनुराग जी ही क्यों जित रहे ने लगातार, क्यों लोग उन्होंने भरोसा जिता रहे तो मुताबिक? काम इतने की है अनुराग जी ने कि वो काम के दम पर ही इतने बारी वोट ले जा रहे हैं, और पॉपुलर बहुत हैं बच्चों में, बुजुर्गों में, लड़कों में, और ऐसे भी अनुराग जी तो आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर लीडर हैं, बीजेपी में भी, और सूचना प्रसारण मंत्रालय देखते हैं, इसलिए अनुराग जी का जलबा तो बरकरार है। और अब बाकी चारों की चारों सीटें भाजपा अच्छे मार्जिन से जीत के जाएगी हिमाचल से, और जो उपचुनाव हो रहे हैं 6 सीटों पे हम उनको भी जीत रहे हैं भारी वोटों से।
और सरकार भी बनाएंगे हम भाजपा की। पर इंडी गठजोड़ है जो अलायंस है जो इंडी बारे की सोचते हो कि लगता है कि वह जित जाएंगे क्योंकि वह भी मुकाबले दे विच ने विरोधी पार्टी है इस वेले बीजेपी की। देखो जी उनकी तो पोल खुल चुकी है, वो ठगों का गठबंधन है, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान को पता है कि इन्होंने क्या किया आज तक अपने राज में, लोग भूले नहीं हैं। कांग्रेस दे इत्थे की देख रहे हो स्थिति, कांग्रेस की स्थिति तुसी बीजेपी दे विचों, हालांकि कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश दे विच, पर इसके बावजूद भी ये लोक सभा सीट क्यों बीजेपी के खाते च ही तुसी दस रहे हो जाओगे? देखो जी ये लगातार 9वीं 10वीं बार हम ये सीट पार्लियामेंट्री की निकाल रहे हैं, तो जब हम ही जीतते हैं तो फिर दूसरे का तो काम ही नहीं है। अनुराग जी 5वीं बार जीत रहे हैं, इससे पहले धूमल जी ने 3 बार सीट जीती, सुरेश चंदेल जी ने जीती, तो हम लगातार इस सीट को जीतते आ रहे हैं, इसलिए सीट पक्की भाजपा की है। बाकी हिमाचल की भी चारों सीटें भाजपा की हैं, पिछली बार भी हमने 73% एवरेज थी हमारी पूरे इंडिया में, 71% गुजरात की थी, हम पहले नंबर पे थे परसेंटेज के हिसाब से। और ऐसे भी मोदी जी का दूसरा घर है, मोदी जी का जलवा चलेगा, बरकरार है, और 400 पार का जो हमने नारा दिया है वो भी हमारा संकल्प पूरा हो रहा है, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करना है। लोकसभा सीट जी इतों की हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर हलका है, ये की कह रहा है इस बार किसकी हवा है? इस बार हवा हमेशा अनुराग जी की रही और इस बार भी अनुराग जी की रहेगी। कांग्रेस भी तो मुकाबले दे विच है, चोन मैदान दे विच है, इंडी गठजोड़ दे मुख पार्टी है वो कांग्रेस है जी। कांग्रेस तो देखो कांग्रेस का नामो निशान तो हिंदुस्तान से मिट रहा है, और अब अनुराग जी बीजेपी आएगी, अब बीजेपी आएगी सेंटर दे विच। जेकर ऑल ओवर इंडिया की गल की जाए, पूरे भारत की गल की जाए, कि लगता है बीजेपी की स्थिति लगती है? क्योंकि दक्षण दे विच जां कह सकदे साउथ दे विच जे मैं इंग्लिश कह दा, उत्थों दी की स्थिति है? कितने दी सऊदी कह रहे हो बीजेपी आऊगी, पर उत्थे ये दावा किया जाता है कि साउथ के सीटा घट्ट हो बीजेपी को, उत्थे बीजेपी का घट है रुझान। एक्चुअली उधर लोग भी है वो मुसलमान ज़्यादा हैं उधर, और देखो क्या होता है। ऐसा है कि इस बार हम वहाँ भी खाता खोल लेंगे, हमारे जो साउथ में हमारा अच्छा इस बार प्रवेश है, और 400 पार का जो नारा है वो ऐसे नहीं दिया है मोदी जी ने नारा, वो पूरा होगा। और कांग्रेस का तो अब डूबता जा जाए, कौन बैठेगा उस पर? तुसी हिमाचल के वसनीक हो, तुसी पंजाब दी विच स्थिति की देखते हो, सियासी स्थिति तुसी जो खबरां सुनते हो, बीजेपी की स्थिति लगती है? क्योंकि तुहाडे आगू ने जिहड़े जां होर नेता ने वो लगातार चोण प्रचार भी पंजाब च कर रहे हैं, दिल्ली तो लैके होर राज्यां दे मंत्री ने विधायक ने वो पहुँच रहे हैं लगातार। देखो जी पंजाब में भी हम सीटें निकालेंगे, पंजाब ऐसे भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है इस मान जी की, तो वहाँ पे उनका अभी अब पोल तो खुल गई है, अब उनके तो सारे बंदे अंदर हैं, तो उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया है, तो उसका प्रभाव पंजाब के इलेक्शन में पड़ेगा पड़ेगा। और भाजपा तो वहाँ अकेले लड़ रही है, तो वो सीटें लेंगे हम वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उसी किसान आगू पर विरोध, किसानों का विरोध भी कितना कितने होता है, तुहानू की लगता है किसानों लिए बीजेपी ने की किया है? नहीं देखो किसानों के लिए हमने पहले भी कहा था कि इनके लिए दे देते हैं सब कुछ और देंगे, क्योंकि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, भाजपा यही सोचती है और देगी भाजपा। लेकिन थोड़ा जो है वो आड़तियों के चक्कर में गुमराह हैं लोग, उनको गुमराह नहीं होना चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं किसानों के लिए कि गुमराह मत हो जाओ, सरकार पर विश्वास रखो, सरकार हर कुछ देगी आपको, जितना वो रेट बढ़ाना चाहते हैं वो रेट हर साल बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ पंजाब वाले से कि अफवाहों से बचें और भाजपा का साथ दें चुनावों में, और उसके बाद उनकी डिमांडें पूरी की जाएंगी। जी लोकसभा सीट हमीरपुर की कह रही है, कौन जीतूगा? ओ जेड़ा मर्जी जीते। अनुराग ठाकुर जी के बारे की सोचते हो? कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर जी लोग कह रहे ने जीतणगे। नहीं जीतता। नहीं जीतता बिल्कुल, नोट कर ले। कारण की है ना जीतण दा? मैनू तुसी पहले कांग्रेसी मिले हो बाजार च, कारण की है ना जीतण दा? कारण ये है भाई इन लोगों ने गवर्नमेंट के पैसे का तबाह कर दी। नोट देखो मोदी का, जो आज भी नोट चलने काबल नहीं है। हाँ
ये बात लोग कुछ लोग का नल मैं गलबात ये मेरी बात सुन कल जा आते ना आप तो वहाँ देखते कितनी जनता थी। ये तो क्या जनता है, ये तो 800-900 आदमी होगा इकट्ठा ज्यादा ज्यादा। अच्छा ये कह रहे ना राहुल गांधी कदे प्रधानमंत्री ही नहीं बन सकते, उसे बने ना बने वो कोई बात नहीं है। अब खड़गे वगैरह हैं और हैं बहुत हैं, खड़गे जी बन जाएंगे लगता है लिखना भी जानता सब चीज ते नहीं गल हैगी, जिहदी किस्मत च होना उन बनना ही बनना, उन्हूं रोक नहीं सकदा कोई। हाँ ये है, उन्होंने नहीं रोक सकता, ये मैं तेनों दस दिया। की कारण है अनुराग ठाकुर जी नूं इत्थों जित मिलदी है, अजिहे किहड़े काम कीते ने? सबसे बड़ा कारण है हिंदुत्व का, दूसरा कारण है डेवलपमेंट का। जिहड़ी प्रोजेक्ट अनुराग जी ने मोदी के थ्रू अपनी संसदीय क्षेत्र च पहुँचाए, उस वास्ते अहे अनुराग जी साथ है। हाँ जी, कि डिवेलपमेंट हुई है? सर कह रहे हैं डिवेलपमेंट हुई है, भाजी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਮਾਰੇ ਹਲਕੇ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਹੋਏ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਏ ਔਰ ਸੜਕੋਂ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁਆ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਕੋ ਉੱਪਰ ਉਠਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮ ਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ? ਵੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਮਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਮੇਂ ਹਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। और हमें बहुत गर्व है कि हमारे हमीरपुर से अनुराग भाई इस केंद्र में इतने बड़े मंत्री हैं, यही बहुत बड़ा गर्व है। बहुत ज़्यादा काम किए और हर गरीब छोटे बड़े की सुनते हैं, सुन के चलते हैं, सबसे प्यार से बोलते हैं। इस बार क्या लग रहा है कि जित जाए? ये लग रहा है कि 400 पार से 500 पहुँच सकते हैं और 400 पार तो होगा ही होगा। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी जी, उन्होंने बयान आया एक। राहुल गांधी के सपने हैं जनाब, उधर ही रहने। राहुल गांधी के वो एक रुपए का काम नहीं करवाते हैं, बीजेपी सबसे अच्छा वर्क करवाती है पूरे इंडिया में। सोचते हैं कि मैं सो जाऊं, मेरे को सपना आए कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, वो कभी बन भी नहीं सकता है, वो सोचे भी नहीं ना ऐसा। हाँ, और उठपटांग बातें करता है, उसको ये नहीं मालूम है सुबह क्या बोलना और शाम को क्या बोलना है, तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? कांग्रेस बोलती है हमने तो विकास बहुत किया है पहले से, कहाँ है वो विकास बताइए? 10 साल का विकास और पिछले 70 साल का विकास जो आप देखिए, जन जन को पता है, तभी तो ये रैली, इतने लोग अपने पैसे खर्च के यहाँ पर आए हुए हैं, ये दर्शाता है मोदी जी के नेतृत्व में और अनुराग जी के नेतृत्व में भरपूर विकास हुआ है। आप हमीरपुर हल्के से ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या विकास हुए हैं वो काम के? वैसे बेसिकली मैं देहरा कंस्टिट्यूंसी विधानसभा पार्लियामेंट्री जो है हमीरपुर है, हमारे यहाँ देहरा विधानसभा एक बहुत बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि 500 करोड़ रुपये की जो बहुत बड़ा काम लगा हुआ है, यही हमारे लिए बहुत है। आगे कितने जितने काम कराएं उतने काम है, NH 4 लेन और वंदे भारत स्कीम, अनेकों ऐसी स्कीम जो अनुराग जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में वो चल रही हैं। इस बार क्या लग रहा है, किस दी हनेरी है, कांग्रेस टक्कर दे पा रही है या नहीं? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का तो अभी रोध होके उन्होंने कैंडिडेट दिया अनुराग जी के विरोध में, और ओवरऑल भी कोई कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहा, जो भी कैंडिडेट उन्होंने दे रहे हैं उनका नाम वो मना कर रहे हैं, वो हर कोई छोड़ के जा रहा है, तो ये दर्शाता है। कांग्रेस का कैंडिडेट है यहाँ पे, उसकी की स्थिति है कि वो कमजोर है उस अनुराग जी के बारे में? दूसरे के बारे में क्या कहना है, वो खड़ा है, कांग्रेस ने उनको दिया होगा, परंतु हम यही एक बात कहेंगे, अनुराग जी के आगे कोई खड़ा नहीं है, सब जीरो हैं। अनुराग जी बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से हमीरपुर पार्लियामेंट्री में जीतेंगे। की लग रहा है इस बार सीट की कह रही है, हल्के की हवा की कह रही है? बीजेपी हल्की हवा नहीं है, बहुत भारी हवा है। हल्के दी हवा की, हल्की हवा नहीं है, बहुत भारी हवा है। अनुराग ठाकुर 10 लाख वोटों से जीतेंगे। कारण की है, अनुराग भाई हमारे अपने हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे भाई, हम जब चाहें उनको बाजू पकड़ के उनके काम करवा सकते हैं और करवाते हैं। अच्छा, पहला कोई काम किया है? बहुत काम किए, हमारा पर्सनल काम करते हैं, सारे काम करते हैं। हमीरपुर के हैं हम लोग, हमीरपुर के हैं, वो पड़ोसी हैं हमारे।
काम की कीता उन्होंने? क्यों काम लिखे किया है? देखो कितना काम किया, सड़कों का सारा काम उन्होंने किया है, सड़कों का किया है, नाइट का किया है, आईटी का किया, हरेक काम किया उन्होंने। एम्स खोल दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, सब मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कर दिया। फिर एम्स कांग्रेस हुई था मुकाबले दे विच है, तुसी कांग्रेस नु नजरअंदाज नहीं कर सकते? कांग्रेस को भी नहीं कर सकते नजरअंदाज, लेकिन जो अनुराग करते हैं वो कांग्रेस नहीं करती है, करती भी नहीं और करेगी। क्या नहीं किया कांग्रेस ने, की नहीं किया कांग्रेस ने? तो हमारे लगता नहीं है कुछ नहीं किया, साल डेढ़ साल हो गया ना, आज तक कोई कई तरह काम नहीं किया उन्होंने। सरकार तो लोगों ने बनाई सी, हिमाचल के लोगों ने बनाई सी, हमने बनाई बेशक थी, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया ना जो सोच के बनाई थी, तभी तो उनके पार्टी के विधायक छोड़ के बीजेपी से आए। पर राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं मोदी इस बार। राहुल गांधी ने क्या गलाया उनको, बोलने से क्या होगा, मोदी सरकार पीएम मोदी सरकार बनेगी और पीएम हमारे मोदी जी होंगे और अनुराग जी 10 लाख वोटों से जीत रहे हैं। सोएसन हिमाचल प्रदेश के लोग सभा हलका हमीरपुर के लोग जिन्होंने आपो अपने विचार ने जिहड़े चोणां नूं लैके सांझे कीते ने, सो हुण देखना होवेगा वोटां तो बाद नतीजे की कुछ कहिंदे ने, किसकी बाजी भारी पऊगी, जां कह सकदे आं कौन बाजी मारूगा, किसनूं जित प्राप्त होगी, इह तां चोण नतीजे ही दस सकणगे। कैमरामैन गुरदेव सिंह दे नाल मैं परविंदर सिंह, हिमाचल प्रदेश।